मोहन और सोहन नाम के दो परम मित्र थे, एक ही साथ, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़ते थे और साथ साथ पढ़ाई कर कर अब वे बड़े हो चुके थे। गांव की पढ़ाई उन्होंने ख़त्म कर ली। उनके माता पिता ने कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, जाओ शहर काम करो, पैसे कमाओ, ताकि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें। दोनों शहर निकल गए कमाने के लिए। वहाँ पर उन्होंने कमरा किराए से लिया और साथ में रहने लगे। एक कंपनी में दोनों साथ में इंटरव्यू देने गए और उसी में वे काम पे एक साथ एक ही दिन एक ही पोस्ट पे लग गए। अब उन्हें काम करते करते काफ़ी समय और महीने हो चुके थे। एक दिन वे शाम को काम ख़त्म करके कंपनी के दरवाजे पर ताला, गेट पर ताला लगाकर लौट रहे थे, तो रास्ते में अचानक मोहन को याद आया कि दोस्त सोहन, हमने सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए, किंतु हम फैक्ट्री में लाइटें और पंखा बंद करना भूल गए, तो हम वापस चलते हैं और लाइट और पंखा बंद करके आते हैं। सोहन ने कहा कि दोस्त, हम काफ़ी दूर निकल आए हैं और अभी हमें घर पे चलकर खाना बनाना है, खाना है और सोना है, हम काफ़ी थक गए हैं, मैं तो नहीं चल पाऊँगा, तो तू भी मत चल, क्या दिक्कत है। मोहन ने कहा कि देख, रात भर पंखे और लाइट चलेंगे, काफ़ी बिल बन जाएगा, भारी भरकम बिल आएगा, सेठ का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। सोहन ने कहा कि तेरा तो नुकसान नहीं होगा, होगा तो सेठ का होगा, तू क्यों टेंशन लेता है, चल घर चल और खाना खाकर सोते हैं। मोहन ने जिद की, नहीं दोस्त चल, तो सोहन ने मना कर दिया, तुझे जाना है तो जा। सोहन उसी समय पलटा और काफ़ी दूर निकल आए थे, तो जाने में भी टाइम लगा। वो फैक्ट्री गया, ताला खोला, उसने सभी पंखे बंद करे, सभी लाइटें बंद करी और फिर वह वापस अपने घर की ओर निकला और इस तरह वह अपने घर पहुंचा। और घर पर पहुंचकर उसने भी अपने दोस्त का खाना बनाने में मदद की, खाना बनाया, खाना खाया और फिर वे सो गए और सुबह उठ के वापस वे काम पे निकले। इस तरीके से उन्होंने साथ साथ में काम किया, किंतु एक दिन ऐसा समय आया कि जो कंपनी या फैक्ट्री का जो मालिक था, उसने देखा कि भाई मेरे इतने वर्कर, मेरे इतने मजदूर हैं, इनमें सबसे मेहनती और ईमानदारी से काम करने वाला मोहन है। अब उस सेठ की कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपनी पूरी फैक्ट्री उस मजदूर के नाम कर दी कि अब तू इस फैक्ट्री को चलाना और अच्छी तरीके से चलाना, और इस फैक्ट्री में जितने मजदूर हैं उनका अच्छा ध्यान रखना, ताकि उनका समय समय पे वेतन मिलता रहे, उनकी तनख्वाह भी बढ़ाते रहना, ताकि उनका परिवार सुखी रहे। और सेठ मरने से पहले वो कंपनी फैक्ट्री उस मोहन के नाम कर जाता है और इस तरीके से वो मोहन उस कंपनी फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। एक दिन उसका मित्र सोहन उससे बोलता है कि देख मोहन, हम दोनों इस फैक्ट्री में एक साथ काम पे लगे थे, मैं तो आज भी मजदूर हूँ और तू तो फैक्ट्री का मालिक बन गया, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तू बड़ा किस्मत वाला है। तो मोहन कहता है कि दोस्त, मैंने जिस दिन इस फैक्ट्री में काम पे लगा था, उसी दिन मैंने इस कंपनी को अपनी कंपनी मान लिया था कि ये कंपनी मेरी अपनी है, और इसीलिए मैंने इसका ध्यान रखा, पंखे लाइटें फिजूल नहीं चलने दी, और यही वजह है कि सेठ ने मुझ पर ये कृपा की और आज मैं इस कंपनी का मालिक बन गया, और तूने इस कंपनी को अपना नहीं समझा,
तूने केवल मजदूरी के हिसाब से काम किया कि मुझे मजदूरी मिल जाए और मेरा काम ख़त्म हो। तूने 4 घंटे 5 घंटे यहाँ पे निकाला और फौरन घर की ओर रवाना हो जाता था, किंतु मैंने इस पे ध्यान दिया और आज मैं इसका मालिक बन गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम इच्छा से अब किसी चीज़ को अपनी समझते हैं और उस को अपनी समझकर पूरी तन्मयता और लगन से जब हम कोई काम करते हैं तो आने वाले समय में वह वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से मोहन ने उस कंपनी को अपनी समझकर पूरी तन्मयता और ईमानदारी से काम किया और वह कंपनी का मालिक बन गया।